सिराजगंज जनपद के ब्रजमनगंज में उस समय सनसनी फैल गई जब बीती रात ब्रजमनगंज थाने पर तैनात एक सिपाही नंदलाल का शव एक निजी रूम में संदिग्ध परिस्थिति में मिला। मृतक सिपाही नंदलाल किराए के मकान पर दो सिपाही की पार्टनरशिप में रहता था। जब देर रात दूसरा सिपाही अपनी ड्यूटी करके रूम पर पहुंचा तो देखा कि नंदलाल फांसी लगाकर लटका है। उसने सूचना थाने पर दी। फिर मौके पर पहुंची ब्रजमनगंज पुलिस ने सीओ कोमल प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। मृतक सिपाही मऊ जिले का रहने वाला था। 25 वर्षीय मृतक नंदलाल कई महीनों से ब्रजमनगंज में तैनात था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कोस्तुभ ने बताया कि ब्रजमनगंज में तैनात एक 2020 बैच का आरक्षी नंदलाल किराए के मकान को लेकर रहता था। पता चला कि वह उसी कमरे में फांसी लगा लिया है। सुबह हमारी पुलिस व अधिकारीगण घटनास्थल पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरक्षी पिछले दिनों से कुछ कारणवश मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उन कारणों का गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही उनके शव को आज जो दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, पास में ही शराब का खाली बोतल बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। थाना ब्रजमनगंज अंतर्गत हमारे एक आरक्षी हैं 20 बैच के नंदलाल। ये इनके द्वारा कल देर रात्रि ये जिस प्राइवेट आवास में कमरे किराए पे लेके रहते थे वहाँ पे इनके द्वारा फांसी लगाने की बात आई है। और फिर सुबह सूचना मिलने पर हमारे राजपत्रित अधिकारीगण थाने की पूरी फोर्स और फील्ड यूनिट के उपस्थिति में दरवाज़ा तोड़ के उनके शव को बरामद करके पोस्टमार्टम में तो भिजवाया गया है। और कुछ कारणों से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे कुछ दिनों से, तो उन कारणों की गहनता से जांच अभी की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।